सो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो अंदर बताने वाला हूँ मॉर्फोआरडी सर्विस का जो नया वर्जन आ चुका है। अता होगा पहले से आपकी अगर डिवाइस में इंस्टॉल्ड होगा, आपके लैपटॉप पीसी में इंस्टॉल होगा तो वहाँ पे वर्क नहीं कर रहा होगा। और मैं ये भी बताऊँगा साथ में आपको परफेक्ट ड्राइवर कहाँ से मिलेगी। ऐसे होता है बहुत से लोग अलग अलग यहाँ पे वेब पे काम करते हैं, अलग अलग वेबसाइट पर काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है अलग अलग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में आपको यहाँ पे उस हिसाब से जो सपोर्टेड ड्राइवर्स होते हैं वो कहाँ मिलेगा, तो मैं बताऊँगा आपको मॉर्फो अगर सर्विस है, आपको मॉर्फोआरडी सर्विस यूज़ करना है तो कैसे कर सकते हैं अगर मॉर्फो डिवाइस है। तो सबसे पहले क्या करना, मॉर्फोआरडी सर्विस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ पे आपको जाना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं rdserviceonline.com जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको सिंपली सर्च करना है अपने गूगल पे। उसके बाद यहाँ पे इसके क्लिक करके चले जाना है इसका होम पेज पे। जैसे यहाँ पे आ चुके हैं हम इसके rdserviceonline.com पे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार आपको इसका होम पेज स्क्रीन यहाँ पे शो करता है, जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप रिन्यू आरडी सर्विस कर सकते हो अपनी, अगर आपको आरडी सर्विस एक्सपायर्ड हो चुकी है, टोकन आईडी मांग रहा है, तो आपको रिन्यू आरडी सर्विस पे क्लिक करना है और यहाँ पे बाय आरडी सर्विस पे क्लिक करना है। आगे का जो प्रोसेस है मैं आपको पहले से बता के रखा हूँ। आप इसी चैनल पे आप जाइएगा और मेरे वीडियोस के अंदर सर्च कर लीजिएगा आपको आरडी सर्विस रिलेटेड कैसे रिचार्ज करनी होती है, मैं बता दिया हूँ पहले से ही। तो बैक चलते हैं, यहाँ पे आपको चेक वैलिडिटी भी कर सकते हैं कि आप अपना जो एक्सपायरी डेट कब होने वाली है, एक्सपायर्ड हो चुकी है कि नहीं अपनी आरडी सर्विस का। सीरियल नंबर से चेक करना है, चेक वैलिडिटी भी क्लिक करना है दोस्तों सैम्पली यहाँ पे, और यहाँ पे अपनी सीरियल नंबर यहाँ पे डाल देना है पीछे, ठीक है, पीछे में लिखा होगा आपकी मशीन के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे बैक आते हैं, आगे का जो प्रोसेस में मेन जो है टॉपिक है यहाँ पे, आज मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको एक परफेक्ट सपोर्टेड यहाँ पे आपको ड्राइवर्स कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं एक सेक्शन बना हुआ है डाउनलोड्स का, तो यहाँ पे आपको चले जाना है डाउनलोड्स पे। जैसे यहाँ पे कर्सर को लेके जाते हैं तो नीचे एकदम आएंगे उसी लाइन में, सबसे नीचे में आने के बाद आपको APPRD कंप्लीबिलिटी लिस्ट मिल जाती है, जिस पे आपको क्लिक करना है। विंडोज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, और जहाँ से आप देख सकते हो कि कौन सी चीज़ को चलाने के लिए आप यहाँ पे कौन से ड्राइवर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिस्ट हमको दिख गई है, आपको मैं यहाँ पे पढ़ के भी सुना देता हूँ। PNB कोशिश बैंक, अगर आप PNB का शाखा चलाते हैं, ठीक है, तो आपको ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आप एरिया में दिखा देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ है, मतलब ये जितने भी वर्क हैं यहाँ पे PNB किसी के APS ICICI बैंक का पोर्टल हो, मूवी सफर का चलाते हो आप, जो एक APS सर्विस होती है जिससे पैसे निकालते हो, HDFC का आप बैंक किसी को चलाते हो, BOB का चलाते हो, RSCB झारखंड कृषि सेवा, मध्य प्रदेश ग्रामीण सेवा, इतने सारे जो यहाँ पे सर्विसेज, अगर कुछ भी इसमें से करते हो तो दोस्तों सैम्पली आपको क्लिक है डाउनलोड यहाँ पे क्लिक करना है, तो इसके कंप्लीट आपको जो ड्राइवर्स है आरडी सर्विस है मॉर्फो का डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट की बात करते दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे कि इमृता हुआ, स्पाइस मनी हुआ, एसओ राजस्थान, फिनो बैंक, पेनियर वाई, इजी पे, ऐसे बहुत सारे डोगमा स्विफ्ट, नोवा डिजिटल पे, उसके बाद जीवन प्रमाण, स्विफ्ट मनी, ऐसी बहुत सारे देखिए, स्पाइस इंडिया है, इनस्टैंड पे है, उसके बाद आधार प्रिंट पोर्टल अगर कोई है, एयरटेल बैंक है, अगर पैसा बिना कुछ भी काम करते हो तो, अगर इसके अंतर्गत कोई भी आप इसमें वेबसाइट या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो आपको सिंपली जान लेना है कि यहाँ तक जो भी है इसमें से कोई भी होगा तो इसको आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे वर्क का या DGP अगर CSC से DGP जो CSC में मिलता है आपको उसको चलाते हो तो इसी ड्राइवर को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आयुष्मान भारत, PM सोधानी, PM जैप, फिनो बैंक और PCSC, यहाँ पे अगर चलाते हैं आप अगर लोकल होस्ट का यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर वेब पे काम करते हैं तो इस सॉफ्टवेयर को आपको यहाँ से इंस्टॉल करना है। क्लिक करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड करने के दोस्तों यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड ड्राइवर्स लिखा हुआ है, जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ड्राइवर्स या सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, उसको को सिंपली इंस्टॉल कर लेना है दोस्तों। तो ये जो वीडियो था बहुत ही इन्फॉर्मेटिव दोस्तों, क्योंकि लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग वेबसाइट पर काम करते हैं दोस्तों, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको सॉफ्टवेयर नहीं मिल पाता। अगर आप रेड कलर का जो मॉर्फो डिवाइस से चलाते हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ से बहुत ही ईजी तरीके से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने PC में इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके PC में पहले से इंस्टॉल्ड है ड्राइवर और वर्क नहीं करता, सबसे पहले क्या करना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो पुरानी ड्राइवर्स है उसको पूरी फाइल को यहाँ पे अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करने की प्रक्रिया क्या है वो भी मैं बता देता हूँ साथ में। तो सबसे पहले आपकी जो डिवाइस में कंट्रोल पैनल होती है उसको ओपन करना है। कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद जहाँ पे इसका ड्राइवर शो करता है यहाँ पे प्रोग्राम्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे लिखा होगा अनइंस्टॉल प्रोग्राम, उस पर क्लिक कर देना है सिंपली। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको ढूंढ लेना है आपका डिवाइस कहाँ पे है, जैसे कि मान के चलिए मॉर्फो है, तो यहाँ पे
पे मार्फो मुझे सिलेक्ट करना है, सर्च करना है कहाँ पे। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं मार्फो आरटी सर्विस ड्राइवर्स लिखा हुआ है, इसको दोनों यहाँ पे दो है, देखिए मार्फो आरटी सर्विस और मार्फो स्मार्ट यूएसबी, ये दोनों ड्राइवर्स को यहाँ पे हमको सिंपली पहले जो ओल्ड वाला है उसको आपको इंस्टॉल कर देना। इंस्टॉल कर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे इंस्टॉल लिखा हुआ, इंस्टॉल कर देना आप तो उतना कर ही सकते हैं। उसके बाद फाइनली बैक आनी है, बैक आने के बाद आपको अपनी पीसी जो सी ड्राइव होती है उसमें जाना है। सी ड्राइव में जाने के बाद यहाँ भी फाइल्स बने होते हैं, देख सकते हैं मार्फो आरडी लॉग लिखा हुआ है और मार्फो आरडी सर्विस सॉफ्ट लिखा हुआ है, इन दोनों फाइलों को आपको परमानेंटली डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद दोस्तों आपकी जो पीसी है एक बार आप रिस्टार्ट कर दें। रिस्टार्ट करने के बाद आपने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है यहाँ से इस वेबसाइट से अपने काम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड है उसको इंस्टॉल करें दोस्तों। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली वहाँ फिर से एक रिस्टार्ट मांगेगा ड्राइवर्स, उसको भी रिस्टार्ट कर देना है। उसके बाद आपका जो वर्क है जो आपकी सॉफ्टवेयर की वर्किंग है तुरंत चालू हो जाती है और आप अपने काम को इजीली कर पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। दोस्तों मेरे चैनल पे हमेशा इसी तरीके से वीडियो आते रहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जैसे नए वीडियो आए तो आपको तुरंत मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।